स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पेनिनसुलर इंडिया में वेरियस टोपोग्राफिकल एंड क्लाइमेट फीचर्स मौजूद हैं। यदि हम इस रीजन को ध्यान से देखें तो ये इन्वर्टेड ट्रायंगल के शेप में नजर आता है। इसके वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ में विंध्याचल और सतपुड़ा जैसे रेंजेस मौजूद हैं। पेनिनसुलर इंडिया के हिल्स को तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, माउंटेन्स ऑफ गुजरात, हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट और हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स। माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया के इस तीसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के साउथ पार्ट में लोकेटेड कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, जो मेनली वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंजेस के पार्ट्स हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो रेंजेस कौन सी हैं और किन राज्यों में इनके विस्तार हैं और साथ ही में उनके फीचर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस वन के ज्योग्राफी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दूसरे इंडिया के वेस्टर्न घाट में लोकेटेड सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है बाबा बुदनगिरी। इन हिल्स को चंद्रद्रोणा के नाम से भी जाना जाता है। बाबा बुदनगिरी हिल्स कर्नाटका के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इस रेंज की मेन पीक्स बाबा बुदनगिरी और मुल्लयनगिरी हैं। इनमें मुल्लयनगिरी हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट 1930 मीटर यानी 6330 फीट है। साथ ही मुल्लयनगिरी कर्नाटका में मौजूद हाईएस्ट पीक भी है। कहा जाता है कि 16th सेंचुरी के फेमस मुस्लिम सूफी संत बाबा बुदन के नाम पर इन्हीं हिल्स का नाम रखा गया था। इस रीजन में लार्ज स्केल पर कॉफी प्रोडक्शन होता है। बताया जाता है कि सूफी संत बाबा बुदन जब अरब से इंडिया आए थे, तब वो अपने साथ कॉफी के कुछ सीड्स लाए थे, जिससे यहाँ कॉफी कल्टीवेशन की शुरुआत हुई थी। वहीं इस रीजन में कुरंजी फ्लावर भी पाए जाते हैं, जो 12 साल में एक बार खिलते हैं। इसके अलावा ये रीजन आयरन रिजर्व्स के लिए भी फेमस है। साथ ही ये हिल कर्नाटका का वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट प्लेस है, जो ट्रेकिंग, कैंपिंग और हाइकिंग के लिए काफी फेमस है। एरामला रेंज। दोस्तों, कर्नाटका से ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ने पर हमें आंध्र प्रदेश में मौजूद कुछ माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे पहली माउंटेन रेंज है एरामला रेंज या एरामला हिल्स, जो वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ये रेंजेस कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड लो हिल्स की रेंज है। एरामला हिल्स नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की ओर एक्सटेंडेड है और ये नॉर्थ में कृष्णा रिवर बेसिन और साउथ में पेन्ना रिवर के बीच में डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न एज पर सिचुएटेड है। यगांती उमा महेश्वरा स्वामी टेम्पल एरामला हिल्स के मिडिल में मौजूद एक मेजर अट्रैक्शन प्लेस है। नल्लामला हिल्स। दोस्तों, नल्लामला हिल्स ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, जो आंध्र प्रदेश के रायलासीमा रीजन और तेलंगाना के नगर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट की ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करते हैं। नल्लामला माउंटेन रेंज नेलोर, चितूर, कुर्नूल, कडप्पा और प्रकाशम रीजन्स तक फैली हुई हैं। ये हिल्स अपने लश ग्रीन सराउंडिंग्स, मेसमराइजिंग बैकड्रॉप्स और सीनिक ट्रेल्स के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि नल्लामला हिल्स हाइकर्स, माउंटेन क्लाइंबर्स और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट के बीच काफी पॉपुलर है। यह आंध्र प्रदेश के वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशंस में से एक है। नल्लामला माउंटेन रेंज से दो मेजर रिवर्स फ्लो करती हैं। ये कृष्णा और पेन्ना रिवर्स हैं। ये रिवर्स नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट में कोरोमंडल कोस्ट के पैरेलल अप्रॉक्सिमेटली 430 किलोमीटर फ्लो करती हैं। वहीं नल्लामला रेंज में मौजूद नागार्जुना सागर श्रीसैलम टाइगर रिजर्व NSTR अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी फेमस है। वेलिकोंडा रेंज। दोस्तों, ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज सिस्टम में वेलिकोंडा रेंज एक लो माउंटेन रेंज है। ये रेंज भी आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। इस रेंज की एवरेज हाइट 2500 से 3000 फीट यानी 750 टू 900 मीटर के बीच है। वेलिकोंडा रेंज के ऊपर पॉपुलेशन काफी कम है, लेकिन इसके नीचे मौजूद वैलीज मॉडरेटली पॉपुलेटेड है। इन वैलीज में लोग कल्टिवेशन करते हैं और पीनट्स यानी ग्राउंडनट्स और ज्वार यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं। वेलिकोंडा हिल्स रेंज ईस्टर्न घाट का एक पार्ट है और ये माउंटेन रेंज भी आंध्र प्रदेश में ही लोकेटेड है। वेलिकोंडा का अर्थ मिल्क हिल्स होता है। दरअसल तेलुगु वर्ड पल की मीनिंग मिल्क और कोंडा की मीनिंग हिल होता है। ऐसे में दोनों के कॉम्बिनेशन से वेलिकोंडा बना है। ये माउंटेन रेंज नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है और अनंतपुर और कडपा डिस्ट्रिक्ट होते हुए तिरुपति के पास जाकर खत्म होता है। वेलिकोंडा हिल्स का एवरेज एलिवेशन 2000 फीट है और इसका हाईएस्ट पॉइंट बुताइद है। बुताइद की हाइट 3060 फीट है। वेलिकोंडा रेंज और वेलिकोंडा हिल्स के बीच कॉरिडोर में पुंचू और चेरू नाम की रिवर्स एक जॉर्ज में ज्वाइन होती हैं और ये कॉन्फ्लुएंस काफी स्पेक्टैकुलर होता है। सिरसाचलम हिल्स रेंज भी ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है और ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। प्रीडोमिनेंटली रायलासीमा रीजन में तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। सिरसाचलम हिल्स रेंज 7 हिल्स का एक ग्रुप है। ये पीक्स सेशाद्री, नीलाद्री, गरुदाद्री, अंजनाद्री, वृषभाद्री, नारायणाद्री और वेंकटाद्री है।
कहा जाता है कि ये सेवन पीक्स लॉर्ड आदिशेषा के सेवन हुड्स यानी सात फनों को रिप्रेजेंट करते हैं। पुराणों के मुताबिक भगवान विष्णु शेषाचलम हिल्स के चार्म से मंत्रमुग्ध थे, इसलिए उन्होंने यहाँ ध्यान करना शुरू किया था। यही वजह है कि सेवन हिल्स को भगवान की पहाड़ियां कहा जाता है। शेषाचलम हिल्स को वेंकटाचलम हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। 2010 में इन हिल्स को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में डेजिग्नेट किया गया था। इनमें रेड सैंडलवुड के लार्ज रिजर्व हैं, जिनका यूज मेडिसिन, सोप और स्पिरिचुअल रिचुअल्स में किया जाता है। वहीं श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी इन रेंजेस में लोकेटेड है। फेमस नेचुरल आर्क और तिरुमला हिल्स भी शेषाचलम हिल्स का ही पार्ट है। जवादू हिल्स ईस्टर्न घाट में मौजूद वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, जो नॉर्दर्न तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। इसे जवादी या जवादी हिल्स भी कहा जाता है। ये माउंटेन रेंज वेलोर और तिरुवनामलाई डिस्ट्रिक्ट में ईस्टर्न घाट्स का एक्सटेंशन है। जवादू रेंज वेलोर और तिरुवनामलाई डिस्ट्रिक्ट को सेपरेट करती है। इस रीजन से चेयर और अगरम नाम की रिवर्स फ्लो होती है। इस रीजन में मेजोरिटी ऑफ द इनहेबिटेंट्स मलयाली ट्राइब्स पर्सन की है, हालांकि यहाँ दूसरी जातियाँ भी मौजूद हैं। जवादू हिल्स के पास कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिनमें बीमान मडावू वाटरफॉल्स काफी अट्रैक्टिव पॉइंट हैं। शेवरॉय हिल्स तमिलनाडु में सेलम सिटी के पास मौजूद माउंटेन रेंज है। इसे सेवरारायन हिल्स भी कहा जाता है। ये माउंटेन रेंज तमिलनाडु और ईस्टर्न घाट का वन ऑफ द मेजर हिल स्टेशन है। शेवरॉय ईस्टर्न घाट सिस्टम के सदर्न रेंजेस का पार्ट है। माउंटेन रेंज 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है और सी लेवल से इसकी हाइट 4000 टू 500 फीट के बीच में है। इस रीजन में कई ओल्ड कॉफी प्लांटेशंस और एक सैनिटोरियम है। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आने वाला येराकुड ऑरिचेडियम और ओल्ड कॉफी ईस्टेट्स टूरिस्ट के बीच काफी लोकप्रिय है। पचाईमलाई हिल्स। दोस्तों पचाईमलाई हिल्स, जिसे तमिलनाडु में पचाईस के नाम से भी जाना जाता है, ये ईस्टर्न घाट सिस्टम में एक लो माउंटेन रेंज है। पचाईमलाई हिल्स तमिलनाडु के तिरुचापल्ली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। वहीं ये त्रिची से 73 किलोमीटर और सेलम से 112 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। तमिलनाडु गवर्नमेंट पचाईमलाई को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की प्लानिंग कर रही है। लोकल लैंग्वेज में पचाई का मतलब है ग्रीन और मलाई का मतलब है हिल। ये माउंटेन रेंज काफी लश ग्रीन है और इसीलिए इसे पचाईमलाई कहा जाता है। श्वेता और कलार नाम के रिवर्स पचाईमलाई हिल्स के थ्रू फ्लो करती हैं। कलार रिवर पर बना वीरारामा डैम इसी माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। वहीं इस रीजन में कोरायर फॉल्स, मंगलम आरुवी फॉल्स और मयलुथु फॉल्स जैसे कई खूबसूरत वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। सिरुमलाई हिल्स। दोस्तों सिरुमलाई रेंज ईस्टर्न घाट का लास्ट माउंटेन रेंज है। वहीं सिरुमलाई माउंटेन रेंज का लास्ट माउंटेन अजगर कोवल हिल्स है, जो मदुराई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अजगर कोवल हिल्स हिंदू रिलीजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्शिप प्लेस है। सिरुमलाई एक डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ थ्रू आउट द ईयर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। इस रेंज की सी लेवल से एवरेज ऑल्टीट्यूड 1600 मीटर है और इसमें डाइवर्सिफाइड फ्लोरा और फौना मौजूद है। वहीं इस रीजन में अन्नाई वेलनकन्नी चर्च और वेलीमलाई मुरुगन टेम्पल काफी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं। बनाना की एक स्पेशल वैरायटी सिरुमलाई हिल बनाना का कल्टीवेशन इस माउंटेन रेंज के हिल टॉप पर होता है। इस बनाना का यूज पलानी के मुरुगन टेम्पल में पंचामृतम बनाने के लिए किया जाता है। पलानी हिल्स। दोस्तों पलानी हिल्स वेस्टर्न घाट का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, जो तमिलनाडु में लोकेटेड है। दरअसल ये रेंज अनाईमलाई हिल्स का केरला के बाद तमिलनाडु में एक कंटिन्यूएशन है। इस माउंटेन रेंज का नाम टेम्पल टाउन ऑफ पलानी पर रखा गया है, जो कि इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट मुरुगन टेम्पल का होम कहा जाता है। पलानी हिल्स करीब 45 माइल्स यानी 70 किलोमीटर वाइड और 15 माइल्स यानी 23 किलोमीटर लॉन्ग है। वेस्ट में अपर पलानी कोर्स ग्रासेस से कवर्ड है। वहीं इसकी वैलीज में डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। पलानी माउंटेन रेंज की पीक की बात करें तो उनमें वंडारावू 8376 फीट, विम्बाडी शोला 8221 फीट शामिल है। नीलगिरी हिल्स। दोस्तों नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट के लार्जर माउंटेन रेंज का पार्ट है। नीलगिरी की मीनिंग ब्लू माउंटेन्स होता है। नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर लोकेटेड है। इन हिल्स में कई पीक्स मौजूद हैं। इनमें डोड्डा बेट्टा हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट 2637 मीटर यानी 8652 फीट है। इस पीक के अराउंड एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया है। ये ऊटी से 9 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में ऊटी कोटागिरी रोड पर है। डोड्डा बेट्टा के सराउंडिंग में मोस्टली फॉरेस्ट है। ये रीजन नीलगिरी तहर का होम भी है, जो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। अनामलाई रेंज। अनामलाई सदर्न वेस्टर्न घाट्स की एक माउंटेन रेंज है, जो सेंट्रल केरला, जो इडुक्की, इराकुलम, पलक्कड़ और थिसूर डिस्ट्रिक्ट और वेस्टर्न तमिलनाडु यानी कोयम्बतूर और तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट तक फैली हुई है। अनामला वर्ड तमिल वर्ड अनई और मलयालम वर्ड अना से लिया गया है, जिसका मीनिंग एलिफेंट होता है।
वहीं माला या मलई का मतलब हिल होता है, इसलिए इसे एलिफेंट हिल या एलिफेंट माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। अनामलाई हिल्स ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स के जंक्शन पर लोकेटेड है। इस रेंज के एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न एंड पर अनई पीक मौजूद है, जो सदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट 8842 फीट यानी 2695 मीटर है। अनामलाई हिल्स रीजन में डेंस मॉनसून फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें रोजवुड, सैंडलवुड, टीक और सागो पाम्स मोस्ट ऑफ द रीजन में पाए जाते हैं। कार्डमोम हिल्स। दोस्तों, कार्डमोम हिल्स वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड हैं और ये पलक्कड़ गैप के साउथ में मौजूद हैं। ये माउंटेन रेंजेस केरला और तमिलनाडु तक फैले हुए हैं, जो इन दोनों स्टेट्स के बीच बाउंड्री फॉर्म करता है। हालांकि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट केरला में ही मौजूद है। कार्डमोम हिल्स की एवरेज एलिवेशन 2637 मीटर है, जिसमें अनईमुड़ी इसकी हाईएस्ट पीक है। अनईमुड़ी पीक जहां लोकेटेड है, वहां कार्डमोम, अनईमली और पलानी हिल्स एक दूसरे से मिलते हैं। इन हिल्स को इसके कार्डमोम कल्टीवेशन यानी इलायची के कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है, जो यहां 19th सेंचुरी से शुरू हुआ था। इसके अलावा दूसरे स्पाइसेस का कल्टीवेशन भी यहां किया जाता रहा है। वहीं यहां ट्री, कॉफी, टीक, बंबू की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कार्डमोम हिल्स के सेंटर में मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि कार्डमोम हिल्स समेत वेस्टर्न घाट्स और पेरियर सब क्लस्टर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अगस्त्यमलाई हिल्स। दोस्तों, अगस्त्यमलाई हिल्स भी तमिलनाडु और केरला के बीच लोकेटेड है। ये माउंटेन रेंज केरला के कोलाम और तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है। अगस्त्यमलाई हिल्स को अशंभू हिल्स भी कहा जाता है और ये वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज का एक्सट्रीम सदर्न एंड है। इन हिल्स को मेडिकल प्लांट्स के 2000 से ज्यादा स्पीसीज के हैबिटेट और वैदिक संत अगस्त्य के निवास के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि इन हिल्स को अगस्त्यमलाई हिल्स कहा जाता है। और इसी के साथ दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। द क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग रेंजेस इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ए पंचईमली, बी पलानी, सी शिवराय, डी जावड़ी। एंड द ऑप्शंस आर डी सी ए बी, सी डी बी ए, सी ए डी बी और DBAC। And with this question, my friend, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई affordable.